So hello everyone, welcome back to lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 36 and in this lecture we are going to solve numericals on the topic buoyancy. So दोस्तों last lecture में हम लोगों ने buoyancy के बारे में पढ़ा था कि buoyancy होती क्या चीज है और center of buoyancy क्या होता है, ठीक है? तो अगर हम simple language में कहते हैं कि जब किसी भी object को हम किसी fluid में रखते हैं और तो उस object के ऊपर fluid के द्वारा एक upward force लगाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायंड फोर्स, ठीक है? और ये बायंड फोर्स जहां पे लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी, जो कि ये होता है कि डूबे हुए हिस्से का यानी जो सबमर्ज पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? तो आज के लेक्चर्स में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल में चलेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होना है, बेसिकली क्या फंडामेंटल्स होते हैं उसके ऊपर चलते हैं. तो पहला न्यूमेरिकल नोट डाउन करिए आप लोग. न्यूमेरिकल पहला इसमें है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस्ड एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी and position of center of buoyancy for a wooden block of width, for a wooden block of width 2.5 meter and depth 1.5 meter. When it floats horizontally in water, the density of wooden block is 650 kg per meter cube. And its length 6 meter. Question फिर repeat कर रहा हूं. Find the volume of water displaced and position of center of buoyancy for a wooden block of width 2.5 meter and depth 1.5 meter when it floats horizontally in water. The density of the wooden block is 650. kg per meter cube and its length is 6 meter. ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या निकालना है हम लोगों को. तो ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आ रहा है, पहला तो ये कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉटर, ठीक, पहला क्वेश्चन. और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दूसरा कह रहा है सेंटर ऑफ बायंसी. सेकेंड क्वेश्चन है सेंटर ऑफ बायंसी, ठीक. इस दो क्वेश्चंस के ऊपर हमें मतलब फाइंडिंग करनी है. बॉडी की डायमेंशन क्या दी हुई है, एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है जिसका लेंथ दिया है 6 मीटर, विड्थ दिया हुआ है आपका 2.5 मीटर और डेप्थ दिया है 1.5 मीटर. ये इसकी डायमेंशन हो गई. डेंसिटी दिया हुआ है इसका 650 केजी पर मीटर क्यूब और ये फ्लोट कर रहा है हॉरिजॉन्टली इन वॉटर, ठीक. इतनी डाटा हमारे पास गिवन है. हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो ये आपका सेम ये बॉडी है, ये एक आपका वुडन ब्लॉक है, ठीक, इसकी जो ये लेंथ है, ठीक है, मतलब ऐसे रखा हुआ है तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये पूरा हो गया 6 मीटर, ये हो गया 1.5 मीटर, ये हो गया आपका 2.5 मीटर. तो ये ऐसे पानी में रख के तैर रहा है. सामने से क्या दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगल
ढाई वाला नीचे है और डेढ़ वाला यहाँ पे ऊपर है और ये 6 मीटर पीछे साइड में है, ठीक है। तो आपको क्रॉस सेक्शन से मतलब होता है, और ये ध्यान दीजिएगा कि फ्लोट कैसे कर रहा है। जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का है तो बॉडी ऐसे फ्लोट कर रही है, अगर ये वर्टिकली कहता तो बॉडी ऐसे फ्लोट करती, ठीक है। दोनों में अंतर है भाई, वर्टिकल एक्सिस की ये, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है। तो अभी हॉरिजॉन्टल है इस क्वेश्चन में तो ऐसे सॉल्व करेंगे, मान लो कोई क्वेश्चन में दे देगा वर्टिकल तो उसको ऐसे रख के सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी हॉरिजॉन्टल का है तो हम केवल क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन में इसका विड्थ और डेप्थ काम आएगा हमारे सिर्फ। तो देखो ये डिस्टेंस हो गया आपका 2.5 मीटर और ये डिस्टेंस आपका हो गया 1.5 मीटर, ठीक। मान लेते हैं ये आपका पानी है इतना, ठीक है, मतलब इतना हिस्सा इसका, यानी कहने को कहा जाए तो ये पूरा हिस्सा इसका पानी के अंदर है, मतलब ओरिजिनल का इसका डायमेंशन ए बी सी डी था, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश सी और डी वैसे ही रहेगा, ठीक है। और डेप्थ आप सबमर्जेंस हम मान लेंगे, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो इसको आप मान लीजिएगा एच, ठीक है, या स्मॉल एच मान लीजिए, डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस। जो इसका लेंथ है वो कुछ ऐसे, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कुछ ऐसे बना होगा ये, ठीक है, ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। और ये आपका है 6 मीटर, हालांकि उससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल क्योंकि वो उसकी लेंथ दी हुई है, उससे कहीं हमें कुछ केवल वॉल्यूम निकालना रहता है और कहीं उसका काम नहीं पड़ेगा हमको, ठीक। अब फाइंडिंग क्या क्या हो सकती है, तो पहला तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर निकालना है। तो हमने आपको कल ये पढ़ाया था कि जब किसी बॉडी को हम किसी फ्लूइड में रखते हैं तो उसका जो वेट होता है, ठीक है, कंडीशन क्या होती है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बराबर होगा किसके, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बराबर होता है बायंट फोर्स के, ठीक। और बायंट फोर्स लग रहा है और ये फ्लोट कर रहा है, तो ये जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा वेट ऑफ बॉडी के, ठीक है, कब, फॉर इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग बॉडी अगर फ्लोट कर रही है तो उस बॉडी का वेट बराबर होगा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के। भाई अगर एक बॉडी है 1 न्यूटन की और उसने पॉइंट कुछ फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, तो जो फ्लूइड का वेट होगा वो बॉडी के वेट के बराबर हो जाएगा, ये आप सभी लोग पहले जानते होंगे, ठीक है, और वही बराबर होता है आपके बायंट फोर्स के। तो इसी प्रिंसिपल को हमको लेकर के चलना है। अब एक कंडीशन हम लोग और देखेंगे, हम लोगों ने यहां पे एक चीज और पढ़ी थी, स्पेसिफिक वेट, ठीक है, स्पेसिफिक वेट आपने फॉर्मूला पढ़ा था जो होता है रो इंटू जी, और ये होता है आपका क्या, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक, वेट अपॉन वॉल्यूम को रो इंटू जी करते हैं। तो यानी अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, जैसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेट मल्टीप्लाइड बाई रो इंटू जी, ये करना पड़ेगा आपको। अब इसके लिए क्वेश्चन ये उठता है कि वेट कहां से निकालेंगे, तो अगेन आपको पता है कि इसी फॉर्मूले से फिर वेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, इसके लिए यहां ध्यान बस इतना देना है कि जिसका वेट निकालेंगे उसकी डेंसिटी रखना है हमको, ये नहीं कि हर जगह बाय डिफॉल्ट 1000 रखना है, ठीक है, 1000 पानी का होता है, तो अगर हमको वुडन ब्लॉक का वेट निकालना है
तो फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, मतलब ऐसा निकलेगा ये। तो यहां से क्या निकल जाएगा, डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक गिवन है कितना आपका 650 केजी पर मीटर क्यूब, तो ये हो गया 650 केजी पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू हो गई 9.81, वॉल्यूम कितना हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच से, तो एल बी एच करोगे तो 6 × 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, यहां से आपका क्या निकल जाएगा वेट, देखिए कितना आ रहा है वेट निकल के, कैलकुलेट कर दो कितना वेट आ रहा है उसका, वेट निकल के आएगा आपका, कैलकुलेशन करिए देखिए कितना आ रहा है, 143,471, 143,471 न्यूटन, ठीक है, ये आ गया वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, ठीक है, 143,471 न्यूटन वेट मिल गया आपको। हम क्या कहते हैं, हमको वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड निकालना है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वेट ऑफ द बॉडी बराबर हो जाएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के, यानी ये जो वेट ऑफ वुडन ब्लॉक निकला है इसने इतना ही वेट का फ्लूइड डिस्प्लेस किया होगा, मतलब जब इसको रखा गया होगा फ्लूइड में तो उस समय फ्लूइड वाटर है तो इतना वेट का वाटर उसने डिस्प्लेस कर दिया होगा, ठीक, तो यानी ये वेट बराबर हो गया वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के, यानी ये निकल के आ गया किसके बराबर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया ये चीज। तो अब इस वाले वेट में क्या आ जाएगा, 143,471, ठीक हो गया, ये हो गया डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है तो डेंसिटी किसकी रहेगी, वाटर की इंटू, एक मिनट सॉरी ये फॉर्मूला यहां गलत हो गया है, ऊपर सही लिखा है मैंने बस यहां गलती कर दी है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आपको वॉल्यूम निकालना है तो स्पेसिफिक वेट नीचे आ जाएगा, यहां मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया था, ठीक है, इसको बस सही कर लीजिएगा, ये मल्टी डिवाइड में आएगा, यानी वेट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट, यानी रो कितना है 1000 × 9.81, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस फॉर्मूले से वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम यहां जाएगा ये इसके नीचे आ जाएगा, तो यानी वेट डिवाइडेड बाय रो इंटू जी, तो वेट इतना निकला था इसको इससे डिवाइड कर दिए, तो यहां से निकल के आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, देखिए कितना निकल के आ रहा है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये निकल के आएगा 14.625 मीटर क्यूब, ठीक है, कुछ नहीं किया गया, सिंपल आपने वेट ऑफ वुडन ब्लॉक निकाला, ठीक, वो बराबर होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के, तो उसी को इसके बराबर मान लिया गया, उसी वेट को इस फॉर्मूले में रखा गया, तो वेट अपॉन स्पेसिफिक वेट हो जाएगा वॉल्यूम, तो वहां से हम लोग को वॉल्यूम मिल गया उसका, ठीक है, वॉल्यूम आ गया 14.625 मीटर क्यूब, ठीक, पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर वो हो गया 14.625 मीटर क्यूब, तो ये तो हो गया क्वेश्चन पहला वाला। अब दूसरा पूछ रहा है सेंटर ऑफ बायंसी, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपने फाइंडिंग की है इसको अगर हम लोग यहां पे रखेंगे तो ये बायंसी फोर्स इस बॉडी पे कहां लग रहा होगा, उसका सेंट्रॉइड क्या हो गया, उसका पोजीशन क्या होगा, तो हमने कल भी बताया था कि पोजीशन निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोग डूबे हुए हिस्से का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लें। तो देखो ये इतना हिस्सा डूबा हुआ है जो मैं अभी शेड कर रहा हूं, यहां से व्हाइट और ब्लू में शेडिंग है, ये सबमर्ज पोर्शन है इतना हिस्सा, तो पहले ये डायमेंशन निकाल लेते हैं, ठीक, हमें क्या पता चल गया है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड
फ्लूइड, ये आपका है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है तो ये किस चीज का वॉल्यूम हो सकता है, जो ये बॉडी पानी में जितना गया होगा भाई। जैसे अगर एक आपका कोई कंटेनर है या कोई एक ब्लॉक मान लो जिसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, ऐसे समझो कि 1 मीटर क्यूब का कोई ब्लॉक है, तो उसको जब पानी में रखोगे तो कितना जगह ऑक्यूपाई करेगा, उतना ही तो करेगा 1 मीटर क्यूब। अगर उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो जब पानी में रखोगे या एयर में रखोगे तो उसका जो ऑक्यूपाइड एरिया है वो वॉल्यूम कितना होगा, वो भी 1 मीटर क्यूब ही होगा, ठीक। मतलब कहने का यह है कि जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम निकला है, यानी डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम आया है 14.625, ये वॉल्यूम इस ब्लॉक के द्वारा हटाए गए लिक्विड का वॉल्यूम है, ठीक है। यानी कह सकते हो कि जो हिस्सा पानी के अंदर ब्लॉक का है वो वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। मतलब अगर हम इसका निकालते हैं वॉल्यूम ए डैश बी डैश सी डी का, यानी अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो अननोन क्वांटिटी एच हो रही है केवल, क्योंकि देखो 2.5 मीटर तो फिक्स है, लेंथ फिक्स है, तो 2.5 मीटर फिक्स हो गया, लेंथ फिक्स हो गया, डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस नहीं पता है, उसको एच मान लेंगे, ठीक है। तो एल इंटू बी इंटू एच से हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकल गया। इसने कितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया वो हम निकाल चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, तो इसका वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे 14.625 मीटर क्यूब से, और यहां से हम लोग अपना एच निकाल लेंगे। क्यों ऐसा किया गया है, ये जो निकाला हुआ हिस्सा है वॉल्यूम का, ये वो वॉल्यूम है जो उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया, ठीक है। भाई जितनी जितना डिस्प्लेसमेंट दिया है वो कितना उसके खुद के जितना उसने जगह लिया होगा वही डिस्प्लेस होगा, तो यानी इस वाले हिस्से का वॉल्यूम इसके बराबर वही चीज होगी, ठीक है। एच निकालोगे तो एच कितना निकल के आ रहा है, 0.975 मीटर, ये हो गया इस एच का वैल्यू, कितना हो गया 0.975 मीटर, ये हो गया आपका डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस कि इतना हिस्सा ये पानी में डूबा हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, फिर हमें निकालना क्या था, सेंटर ऑफ बायंसी, ठीक है, सेंटर ऑफ बायंसी। तो बायंसी का सेंटर कहां होगा, हमने बताया था डूबे हुए हिस्से का सीजी, तो अगर ये एच है रेक्टेंगुलर सरफेस दिख रहा है यहां से, तो इसका सीजी कहां आ जाएगा, h बाई टू पे, ये हो जाएगा आपका डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस, और ये कितना निकलेगा, ये हो जाएगा h बाई टू पे, यानी सेंटर ऑफ बायंसी क्या हो जाएगा, 0.975 / 2, तो ये आ जाएगा आपका 0.4875, ये हो जाएगा 0.4875 मीटर, ठीक। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ बायंसी, ठीक है। प्रोसेस मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब कोई बॉडी रखोगे फ्लूइड में तो जो बायंट फोर्स होगा वो डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर होगा, और उस समय बॉडी का वेट भी उसके बराबर होगा अगर फ्लोटिंग कंडीशन दिया हुआ है तो, ठीक है। वहां से हम बॉडी का वेट निकालेंगे, वो बराबर हो जाएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, फिर वेट अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट वाले फॉर्मूले से हम लोग उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो वो निकल के आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, और ये जो डिस्प्लेस फ्लूइड का वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी इनसाइड द फ्लूइड। तो अब बॉडी का देखो 2.5 मीटर, यानी ये क्रॉस सेक्शन फिक्स है भाई, इस डस्टर को पानी में से डुबा रहे हो, पूरा डुबाओगे या आधा डुबाओगे या ऊपर रखोगे, तो इसका ये क्रॉस सेक्शन और ये तो फिक्स हो गया, मतलब सॉरी लेंथ और विड्थ फिक्स हो गई, डेप्थ घटे बढ़ेगा। भाई अगर हम पानी में जा रहे हैं तो डेप्थ ही तो बढ़ सकता है हमारा, कि भाई 0.5 मीटर में डूबा हुआ हो, 1.5 मीटर में डूबा हुआ हो, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हमारी बॉडी की डायमेंशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब लेंथ और थिकनेस चेंज नहीं हो रहा, बस हमारा डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस चेंज होगा। तो वही चीज डस्टर के बारे में है, अगर ये रेक्टेंगुलर बॉडी है तो इसका लेंथ 6 मीटर लगा, चाहे पूरा डुबा दो चाहे आधा डुबा दो,
विड्थ वही रहेगा, केवल डेप्थ चेंज करेगा। तो डेप्थ अननोन कर लेना है, अननोन कर लोगे उस वॉल्यूम के बराबर इक्वेट कर लोगे, वहां से एच निकलेगा, ये हो गया एच, इसका आधा करोगे तो इसका सीजी निकलेगा, वही हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ बायंसी। ठीक है, इसको नोट कर लो सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, उसको लिखिए। बॉडी ऑफ डायमेंशन, बॉडी ऑफ डायमेंशन 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 2 मीटर, एक बॉडी की डायमेंशन दी है 1.5 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, डेढ़ गुणे एक गुणे दो मीटर, बॉडी ऑफ डायमेंशन 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 2 मीटर, हूज वेट इन वॉटर, हूज वेट इन वॉटर इज 1962 न्यूटन, 1962 न्यूटन, whose weight in water, यानी इस बॉडी का जब पानी में वेट लिया गया तो उसका वेट आया है 1962 न्यूटन। Find its weight in air, पहला क्वेश्चन, find its weight in air। अगला क्वेश्चन,
व्हाट विल बी इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट विल बी इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। दो चीजें होंगी, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, वेट इन वाटर। दूसरा कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। दोस्तों बताता हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। बायोलॉजी वगैरह के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपके बेसिक्स के ऊपर है, क्योंकि ये लोग ये टॉपिक आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा सा रिवीजन एक तरीके से है, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि पढ़े हुए हो तो बहुत कोर्स नहीं कराना आप लोगों को, बाकी क्वेश्चन वगैरह लगाते रहिएगा और जो भी इशू आएगा बताइएगा। क्वेश्चन टू में जो डायमेंशन दिया है वो आपका दिया 1.5 इंटू 1 इंटू 2 मीटर क्यूब, ये हो गया वो डायमेंशन, ठीक है, जिसका वेट इन वाटर है। यहां पे लिख लेते हैं वेट इन वाटर, ये आपका गिवन है 1962 न्यूटन, ठीक, 1962 न्यूटन है। इसका निकालना क्या है हमको, वेट इन एयर, मतलब एयर में वेट कितना होगा, और दूसरा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी। दो चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। तो पहले पे आते हैं वेट इन एयर से मतलब क्या निकल के आ रहा है, और इसको जैसे समझो ऐसे कोई बॉडी है 10 न्यूटन की एग्जांपल करता हूँ, जब उसको पानी में रखोगे तो कुछ अपरेंट वेट फील होता है, मतलब उसका कुछ वेट कम रहता है। जब आपने पहले ही पढ़ा हुआ है जैसे पानी में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं उसका वेट कम रहता है, क्योंकि तो उसके ऊपर बाइंड फोर्स नीचे से लग रहा होता है, ठीक है। तो वहां पे अब ये देखना है कि जब बॉडी पानी के अंदर है कम्प्लीटली सबमर्ज, तो उस समय कितना वेट में कमी आया है वो चीजें फाइंड आउट करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या यहाँ बन रहा है कि जब बॉडी पानी के अंदर रखा गया होगा तो जितना उसके वेट में कमी आया है वो किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू द बाइंड फोर्स, यानी नीचे से कुछ फोर्स को मतलब रोक रहा है अपने ऊपर, ठीक है। तो यानी जो उसके वेट में कमी है, ठीक है, जितना डिफरेंस आ रहा है वो बाइंड फोर्स के बराबर होगा। बाइंड फोर्स क्या होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाई द बॉडी। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि अगर हम किसी तरीके से वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर निकाल लेते हैं तो वो हो जाएगा बायंट फोर्स के बराबर, और उन दोनों का जो समेशन आएगा वो हो जाएगा वेट ऑफ बॉडी इन एयर। वैसे किसी बॉडी का वेट हवा में 2000 न्यूटन है, ठीक है, या मान लो 3000 न्यूटन है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसी को लेते हैं कि उसका हवा में वेट 3000 न्यूटन है, पानी में रखने पे उसका वेट हो गया 1962 न्यूटन, ठीक है। तो जो ये 1038 की कमी आई है 1038 न्यूटन की, वो क्या होगा आपका,
वो बैंड फोर्स होगा उतना उसको नीचे सपोर्ट मिल रहा होगा, ठीक है, यानी जो दोनों का डिफरेंस निकल के आया है वो उसके बराबर हो रहा है। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या बन के आ रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक, वो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो जो वेट ऑफ बॉडी इन एयर है, तो सॉरी ये वाटर में है तो इसकी डायमेंशन जो होगी वो किसके बराबर होगी, ऐसे लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी जो बॉडी का वॉल्यूम, क्योंकि अब ये पानी में कंप्लीटली अंदर है तभी बात कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, भाई जिस डायमेंशन की बॉडी पानी के अंदर रखोगे उतने डायमेंशन का पानी बाहर आएगा, भाई अगर 1 मीटर क्यूब की बॉडी रखोगे तो 1 मीटर पानी वो बाहर निकाल लेगा। तो यहाँ से हम उसको निकाल लेते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना हो गया 1.5 × 1 × 2 बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर, ऊपर रख लेते हैं, यानी 1.5 × 2 × 1 यानी हो गया ये 3 मीटर क्यूब, 1.5 × 2 × 1 = 3 मीटर क्यूब हो गया इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर। तो जब वाटर का वॉल्यूम पता है आपको तो वेट कैसे निकलेगा, आपको फार्मूला पता है कि वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, अगर किसी काम को वॉल्यूम पता है उसकी डेंसिटी पता है तो उसका वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो गया 3 डेंसिटी, क्योंकि वाटर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा 1000 × 9.81। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर फॉर्मूला होता है ना वेट अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट, तो वेट बराबर आएगा वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक वेट, ठीक। वॉल्यूम पता हो गया कि जो बॉडी का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, क्योंकि बॉडी कंप्लीटली यहाँ पे पानी के अंदर है, तभी उस तरह क्वेश्चन आया हुआ है कि कितना अपरेंट वेट फील हो रहा है आपको, ठीक है, और उसका एयर में वेट कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो हमने क्या किया, पहले वेट ऑफ वाटर निकाला डिस्प्लेस, यहाँ से निकल गया ये जो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा आपका 29,430 न्यूटन, यह आ जाएगा 29,430 न्यूटन। थोड़ा माइक में प्रॉब्लम रहा होगा, अगर वॉल्यूम धीरे होगा तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, आई थिंक थोड़ा सा स्लो हो गया था माइक, मैंने कहीं और नीचे चला गया था स्लिप होकर के। तो क्वेश्चन में फिर से बोल दे रहा हूँ कि एक बॉडी है जिसकी डायमेंशन दी है 1.5 × 1 × 2 मीटर क्यूब, ठीक, उस बॉडी का पानी में वेट दिया हुआ है 1962 न्यूटन, हमसे पूछा है कि उस बॉडी का एयर में वेट कितना होगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये चीजें निकालनी है, ठीक है। तो हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया है कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी जितना होगा वही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, इससे हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लिया, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल जाएगा तो उससे हम उसका वेट निकाल लेंगे। तो ये जो वेट निकला है ये किसका निकला है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड है तो इससे उसका निकल जाएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, इतना निकल जाएगा। तो आपको ये पता है कि अगर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं सिंपल कि वेट ऑफ बॉडी इन एयर, वेट ऑफ बॉडी इन एयर ये किसके बराबर हो सकता है, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर प्लस वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा। भाई बॉडी का वेट एयर में 7 न्यूटन है, फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, पानी में रखते उसका वेट हो गया 7 न्यूटन, ठीक, तो 3 न्यूटन क्या हुआ, कम हुआ, वो 3 न्यूटन किसके बराबर होगा, वो होगा उस पर लगने वाले बायंड फोर्स के बराबर, और वो बायंड फोर्स क्या होगा कि उसके द्वारा डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा, यानी जो बॉडी ने वाटर डिस्प्लेस किया है उसका वेट प्लस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर दोनों जोड़ देंगे तो एक्चुअल वेट इन एयर निकल जाएगा, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट पे कैलकुलेट करते हैं इसका वेट इन एयर, तो कितना हो जाएगा,
वेट, यहाँ हम लोग ऐसे W एयर लिख लेते हैं, इसका मतलब वेट इन एयर, तो वेट ऑफ बॉडी इन वाटर है दिस इज इक्वल टू 1962 वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड निकाला हमने है तो आया है 29,430 न्यूटन। तो ये हो गया 29,430 न्यूटन और ये न्यूटन हमारे पास पहले से है, दोनों जोड़ दोगे तो ये आपका आ जाएगा वेट इन एयर आ जाएगा 31,392 न्यूटन, 31,392 न्यूटन। ये हो गया आपका किस क्या चीज वेट इन एयर। आया समझ में कि भाई डिफरेंस निकाल लिए दोनों का, वहां से ये फाइंड आउट हो गया हमारा। ठीक, अब क्या करना है दूसरा क्वेश्चन, पहला तो हो गया वेट इन एयर ये निकल गया 31,392। अब इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, तो जब आपको वेट पता है तो आपको फार्मूला पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, ठीक है, तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी रखना होता है, ये पता है आपको डेंसिटी अपॉन डेंसिटी फार्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो यानी हमको अब डेंसिटी निकालना पड़ेगा। भाई हम सभी लोग जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होगा वो आपका होता है डेंसिटी ऑफ गिवन, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड। अब यहां कोई बॉडी दिया है, यहां हम लोग फ्लूइड ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, स्टैंडर्ड अगर सॉलिड लिक्विड में वाटर रखते हैं गैस में एयर आ जाता है, ठीक है, तो अभी ये बॉडी क्या है सॉलिड है तो इसमें हम लोग वाटर का ही नीचे लेके चलेंगे डेंसिटी, इसको याद कर लीजिएगा कि सॉलिड के केस में भी हम लोग वाटर से ही कंपेयर करते हैं। तो पहले डेंसिटी निकाल लेते हैं, तो वेट निकल गया है तो डेंसिटी क्या होता है आपको पता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो डेंसिटी निकालना है आप लोगों को तो डेंसिटी बराबर होता है एम बाई वी, ठीक, तो मास अपॉन वॉल्यूम निकालना है आप लोगों को, तो मास कैसे निकलेगा वेट है तो W बराबर क्या होता है mg, W बराबर होता है mg, तो m बराबर क्या हो गया W बाई g, यानी इस वेट को 9.81 से डिवाइड कर दोगे तो आपका मास निकल जाएगा। ठीक है भाई, वेट पता है W बराबर mg होता है तो वहां से मास निकाल सकते हैं, तो m बराबर हो जाएगा वेट अपॉन g, यानी 31,392 बटा 9.81 ये आ जाएगा मास, और मास कितना आ रहा है आपका ये निकल के आ रहा है 3200 केजी। ठीक है, मास निकलेगा आपका यहां से, यहां लिख लेता हूं, मास निकल के आ गया आपका 3200 केजी। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास हो गया 3200 केजी, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम दिया है 3 मीटर क्यूब, तो यानी यहां से डेंसिटी हो जाएगा आपका 3200 बटे 3। ठीक, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा कितना 1066, ये हो जाएगा 1066.6 केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया इसका डेंसिटी। ठीक है, क्या किया गया है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास निकाले वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, डेंसिटी मिल गया 1066.66 केजी पर मीटर क्यूब। अब देखो यहां पे डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो यानी ये बॉडी फ्लोट नहीं करेगी, ये बॉडी डूब जाएगी, इसीलिए अपरेंट वेट यहां पे लेके चल रहा था और ये पूछा था कि इसका वेट इन एयर कितना होगा। ठीक है, तो ये जो 1066 है पानी का कितना होता है 1000, ठीक है, तो 1000 से ज्यादा डेंसर है तो ये बॉडी उसमें फ्लोट नहीं करेगा, डूब जाएगा नीचे। ठीक है, जब डूबेगा तो अगर उसको कहीं बीच में देखा जाए तो कुछ वेट कम होगा उसका, उसी वेट के बारे में पूछ रहा था हमसे। ठीक, तो डेंसिटी निकल गया, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूले में आते हैं, तो यहां से होगा डेंसिटी ऑफ द गिवन बॉडी निकल के आया है 1066.67, और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड में हमेशा हम लिक्विड और सॉलिड में पानी ही रखते हैं तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये इसका डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा 1.0667, दिस विल बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। टोटल बेसिक फॉर्मूले जो आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में ये सब मैंने पढ़ाया हुआ था,
अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो ये फॉर्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर भी मैंने बता दिया कि हम लोग यहां से वेट इन एयर निकालते हैं पहले, तो वेट इन एयर का मतलब क्या हो गया, पानी में वेट प्लस डिस्प्लेस्ड वाटर, बॉडी के द्वारा जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वेट निकाल के जोड़ दिए तो वेट इन एयर आ गया। वेट इन एयर निकला तो हम लोग हमें निकालना है वहां से डेंसिटी, तो हमको मास चाहिए। वेट हमारे पास दिया था तो W बराबर mg वाले फॉर्मूले से हम m निकाल लिए, m बराबर W बाई g करके, तो यहां से हमें मास मिल गया। मास मिल गया तो हम लोग डेंसिटी निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम से, वॉल्यूम दिया था तो मास अपॉन वॉल्यूम से इसका डेंसिटी निकला 1066। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड या बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर रहता है आपका, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ गिवन बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर रख दोगे तो यहां से आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट हो जाएगा बॉडी का, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो आई थिंक ये नोट हो गया आप लोगों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इस पे थोड़ा सा अलग एक क्वेश्चन है, इसको देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है इसके ऊपर।
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिशन में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि दो इंटरफेस लिक्विड की बात कर रहा है, कि जब दो तरह के लिक्विड में कोई बॉडी रखी जा रही है, दो तरह के फ्लूइड्स वगैरह हैं, तो उस समय कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन करिए। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ मेटालिक बॉडी, फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ मेटालिक बॉडी। ठीक है, हमको निकालना क्या है, डेंसिटी ऑफ मेटालिक बॉडी, यह आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटालिक बॉडी विच फ्लोट्स एट द इंटरफेस ऑफ मर्करी एंड वाटर, विच फ्लोट्स जो तैर रहा है किस पे, एट इंटरफेस ऑफ मर्करी एंड वाटर, मतलब पानी और मर्करी के इंटरफेस पे ये तैर रहा है। मतलब ऐसा है कि एक कंटेनर है, उसमें मर्करी और पानी दोनों रखा है, मर्करी भारी है तो नीचे आ जाएगा, पानी उसके ऊपर होगा, तो जो उनका इंटरफेस यानी जहां पे मर्करी और पानी आके मिल रहे होंगे उस फेस पे, इंटरफेस पे ये बॉडी तैर रही है, और कुछ इस तरीके से तैर रहा है कि इसका 40% वॉल्यूम मर्करी के अंदर है और 60% वॉल्यूम पानी में है। ठीक है, मतलब कि जैसे इस डस्टर को अगर हम ऐसे रखते हैं उस इंटरफेस पे, तो इसका 60% हिस्सा पानी के है, मतलब ऐसे ऊपर रहेगा, और 40% इसका मर्करी में है। ठीक, आया समझ में। जैसे एक बहुत डेंसर मीडियम है, एक लो डेंसर मीडियम है, मतलब कह सकते हो कि एक बहुत डेंस है, एक बहुत कम डेंस है। ठीक है, तो जहां ज्यादा डेंसिटी है उसमें उतना पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, तो वहां पे वो 40% के सबमर्जेंस पे है, और जहां पे आपका डेंसिटी कम है वहां पे उसका सबमर्जेंस 60% है। जैसे समझो कि कोई आपका जैसे बॉडी, ऐसे समझो मान लो ऐसे आपका एक यहां तक का ये फ्री सरफेस है, ठीक, और यहां पे मर्करी है, ये जो रेड वाली लाइन है ये आपकी मर्करी की लाइन है एच जी, और ब्लू वाली क्या है, ये आपका एच टू ओ की लाइन है। ठीक है, मतलब पानी और मर्करी का लाइन। ठीक, अब बॉडी कहां पे है, बॉडी कुछ ऐसे रखा हुआ है कि 60% वो पानी में है, 40% मर्करी में, यानी मर्करी इसके नीचे है, ये पूरा हिस्सा मर्करी का है और ये पूरा हिस्सा आपका पानी का है। ठीक, तो बॉडी बना लेते हैं, कोई भी बॉडी ले लेते हैं, किसी भी शेप का, कोई भी शेप से कोई मतलब नहीं है यहां पे खासकर हमें, मान लो ऐसे कोई एक बॉडी है। ठीक, अब देख रहे हो बॉडी का सबमर्जेंस क्या, किस तरीके से अगर इस बॉडी की सेटिंग करते हैं तो ये 60% है इन वाटर, ठीक, और ये 40% है इन मर्करी। ठीक है, इस तरह से केस रखा हुआ है कि, और ये जो कांटेक्ट है, मतलब यहां पे H2O है और यहां पे Hg है, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो इस इंटरफेस पे ये बॉडी ऐसे टिकी हुई है। अब हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ द मेटेलिक बॉडी, जो अभी इस टॉपिक के एक तरीके से देखा जाए क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा हुआ है यहां पे, तो इसके लिए जरूरत क्या है कि अगर हमको बॉडी का वेट मालूम चल पाएगा तभी हम डेंसिटी निकालेंगे। W बराबर mg होता है, वहां से मास निकालेंगे, फिर वहां से वॉल्यूम से वो कर लेंगे, तो उससे हमें वहां पे चीजें फाइंड आउट होंगी कि भाई हमें पहले अगर वेट वगैरह मिल जाए तो उससे निकल जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको अटेम्प्ट कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में इसके वॉल्यूम के रेफरेंस में कोई डाटा नहीं गिवन है। ठीक है, सिर्फ यही दिया 40% और 60%, और इसमें कोई भी डाटा अलग से गिवन नहीं है, ना ही इसके वॉल्यूम के बारे में, ना ही कुछ। तो अब इस पे क्या करते हैं, सबसे सिंपल ये है कि टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम मान लेते हैं, इसको यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं वन वी मान लेते हैं वॉल्यूम। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, 0.6V प्लस 0.4V के, होगा भाई परसेंटेज है, ऐसे मान लिया गया कि 0.6V और
0.4 भी, दोनों जोड़ के हमने एक मान लिया कि कोई बॉडी है उसका वॉल्यूम 1 है, यूनिट मान लेते हैं तो कोई गलती नहीं होगी, यूनिट वॉल्यूम मान लिए। अब इसका 40% हिस्सा इतना हो गया 0.4, और 60% कितना हो गया 0.6, भाई 1 का 40% कितना हुआ 0.4, 60% कितना हुआ 0.6, दोनों को जोड़ोगे फिर से वापस 1 हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, ये वाला हिस्सा किसके लिए है, H2O के लिए है, और ये वाला हिस्सा आपका HG के लिए है, ठीक है। हो गया, तो देखो अब सिंपल क्या करना है हमको कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा कि जो टोटल बायंट फोर्स है क्या होगा, टोटल बायंट फोर्स भाई इस कंडीशन में, फ्लोटिंग कंडीशन में हमने बताया है कि टोटल बायंट फोर्स किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर। यानी कंडीशन क्या लगाओगे आप यहां पे, वेट ऑफ बॉडी, हमें यही चाहिए तभी हम इसका डेंसिटी निकाल पाएंगे। तो वेट ऑफ बॉडी निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल बायंट फोर्स, ये हमें चाहिए, ठीक है। अब टोटल बायंट फोर्स चाहिए होगा क्योंकि हमको वेट ऑफ द बॉडी निकालनी है, तो टोटल बायंट फोर्स किसके बराबर होगा, बायंट फोर्स ऑफ वाटर प्लस बायंट फोर्स ऑफ मरकरी, दोनों को जोड़ोगे यानी ये टोटल बायंट फोर्स किसके बराबर होगा, ठीक है, ये होगा आपका फोर्स, ऐसे मान लेते हैं बायंट फोर्स ऑफ H2O प्लस बायंट फोर्स ऑफ मरकरी। भाई वेट ऑफ बॉडी बराबर है टोटल बायंट फोर्स के, तो ये किसके बराबर हो सकता है, जो बायंट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर किसके जा रहा, भाई ये पानी लगा रहा होगा इसके ऊपर पूरा, और इधर वाले पे मरकरी लगा रहा होगा, दोनों का बायंट फोर्स जोड़ेंगे टोटल बायंट फोर्स मिल जाएगा हमको। तो अब आते हैं स्टेप वन पे, पहला निकालते हैं किसका, बायंट फोर्स बाय वाटर, ठीक है, BUOY, बायंट फोर्स बाय वाटर, बायंट फोर्स बाय वाटर कैलकुलेट करते हैं, तो अगेन वही चीज होगी कि बायंट फोर्स किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है, कि उस बॉडी ने उस फ्लूइड में कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो कितना दिया है 60%, भाई इस बॉडी का 60% हिस्सा पानी में है, तो 60% पानी का जो वॉल्यूम होगा उसका जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, बायंट फोर्स ऑफ वाटर के, क्योंकि भाई 60% हिस्सा उसने डिस्प्लेस किया पानी, हमने ये बताया है कि बायंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, तो उससे हमें टैली कर लेना है उठा करके सिंपल, ठीक है। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे कि जो बायंट फोर्स ड्यू टू वाटर है बाय वाटर है वो बराबर होगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय बॉडी, ये कंडीशन याद रखिएगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, मतलब उस बॉडी ने कितना पानी डिस्प्लेस किया है उसके ऊपर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वेट ऑफ वाटर, तो आपको सिंपल पता है कि वेट निकालने के लिए क्या करते हो, रो जी इंटू वी करते हो, यही होता है भाई, वेट इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम, यही होता है, इसी से निकल जाएगा सिंपल। तो अब डेंसिटी जिसका निकालना है, वेट ऑफ वाटर निकालना है, डेंसिटी पता है उसका वाटर का कितना होगा, तो यहां से ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1000 इंटू 9.81 इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आया है वाटर के लिए इंटू 0.6V, क्योंकि उतना ही है पानी डिस्प्लेस करने के लिए, 40 तो मरकरी डिस्प्लेस कर रहा है, तो 6.6 कितना कर रहा है वो वाटर डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये हो गया एक इक्वेशन, अब इसको सॉल्व मत करो ऐसे ही लिख लो इसको, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। सिमिलरली यही चीज हम फाइंड आउट करेंगे किसमें, दूसरे केस में, जब वहां पे क्या निकालेंगे हम लोग, बायंट फोर्स बाय किससे, मरकरी यानी HG, तो इसका क्या हो जाएगा सिंपल फॉर्मूला, फिर वेट ऑफ HG
displaced by body. अब यहां पे मरकरी का वेट बॉडी द्वारा कितना डिस्प्लेस किया गया वो निकाल लेते हैं, तो वो कितना हो गया आपका वेट, फिर से वही निकालेंगे तो रो जी इंटू वी बाई डब्ल्यू बराबर रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम. ठीक है, यहां से आ जाएंगे तो रो इंटू जी कितना हो गया 13600 हो गया, डेंसिटी क्योंकि मरकरी का ले रहे हैं इसलिए 13600 लिया गया है. ठीक है, इंटू 9.81 वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ है 40% यानी 0.4V, तो इंटू 0.4V ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड. दो इक्वेशन हो गए आपके और ये दोनों मिलकर किसके बराबर होंगे, हमने यहां लिखा है टोटल बाय एंड फोर्स यानी इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, अगेन तीसरा नंबर पे क्या लिखेंगे आप लोग, वेट ऑफ द बॉडी ये कितना हो जाएगा रोजी इंटू वी. तो इस समय बॉडी की डेंसिटी कितनी मानते हो, मान लो डेंसिटी रो है. ठीक भाई, इसका तो गिवन है 1013600, तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी रख देते हैं इंटू जी यानी 9.81. अब पूरे बॉडी का वॉल्यूम कितना माना गया 1V यानी V मान लो केवल. ठीक, क्या करना है, इक्वेशन 1 + 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 3 यही होगा भाई. यहां पे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड इज इक्वल टू इक्वेशन 3 के बराबर, तो जोड़ लेते हैं दोनों को फिर इसके इक्वल कर लेते हैं. तो देखो पहले से क्या निकल के आ रहा है, पहले से देखो क्या आएगा 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.6V प्लस 13600 इंटू 9.81 इंटू 0.4V इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 9.81 इंटू वी. देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ठीक वी और ये 9.81 कट जाएगा. ठीक है, हर जगह से सारे साइड से वही है तो सब ये कैंसिल हो गया. ठीक है, तो अब बचा क्या है, यहां पे जोड़ लो उसको, तो ये हो जाएगा 600 यहां पे आ गया पहले वाले में, यहां कितना 0.6 इंटू 1000 तो ये हो गया 600 प्लस इधर कितना हो गया 13600 × 2.4 तो ये आ जाएगा 13600 × 2.4 ये हो जाएगा 54400, ये हो जाएगा 54400 इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द बॉडी. यही निकालना था हमको, ये निकल के आ जाएगा 60040 केजी पर मीटर क्यूब. ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ द बॉडी, यही आपको फाइंडिंग थी डेंसिटी ऑफ द बॉडी, यही आपका आउटकम था 60040 सॉरी एक जीरो सा छूट नहीं 0.4 है ना, ये 5440 होगा, यहां गलती हो गई है मेरे बोलने में. ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है 5440 होगा, करेक्ट कर लीजिएगा, 600 प्लस 5440 हो गया 6040 केजी पर मीटर क्यूब हो गया डेंसिटी ऑफ द मेटेलिक बॉडी. अब देखो डेंसिटी कहां पे लाई कर रही है, 6000 पानी कितना होता है 1000, मरकरी कितना होता है 13600. ठीक है, तो पानी में तो पूरा डूब गया, देख रहे हो भाई फ्लोट कहां कर रहा है इंटरफेस पे, क्यों, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी है 13600 और बॉडी की डेंसिटी कितनी निकल का है 6040, तो पानी वाले में उसको कोई मतलब नहीं, डूब गया पानी वाले में, तो ऐसा डूबा है इंटरफेस पे कि 40% तो नीचे चला गया, जितना नहीं जा पाया है उतना पानी के अंदर है. ठीक है, इसलिए कहा गया फ्लोट एट इंटरफेस, तो ये पानी में फ्लोट कर ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1000 है, इसकी डेंसिटी 6000 है, डूब जाएगा पानी के अंदर तुरंत, लेकिन रुका क्यों है, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी 13600 होती है, इसलिए अभी वहां पे वो फ्लोट कर रहा है. अब ये डेंसिटी अगर हो जाती है 18000 20000 तो ये सबसे चला जाता है नीचे, फिर सब खत्म, कि
कि आप इस पर कुछ नहीं कैलकुलेट कर सकते, वही अपोनेंट वेट वगैरह थोड़ा बहुत निकलता है इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन पर यह था कि एक बॉडी है जो मरकरी और वाटर के इंटरफेस पे फ्लोट कर रही है कुछ इस तरीके से कि 40% हिस्सा पानी में है, 60% हिस्सा मरकरी में है, ठीक। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा गया यहां पे, तो हमने क्या माना कि टोटल वॉल्यूम 1 मान लिया, 0.6 पानी में है, 0.4 मतलब ये क्या है, 60.1 का कितना हो गया 0.6 और 40% हो गया 0.4, तो बस इसको ब्रेक कर लिया 60% और ये इतना है। भाई ये परसेंटेज से निकालना है, इसको ध्यान देना कि 0.4 और 0.6 कहां से आया है, जैसे 60% ऑफ 1 ये हो गया 0.6, ऐसे 0.4 हो जाएगा 40%, ये दोनों मिलके हो गए टोटल वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या था, डेंसिटी ऑफ मेटालिक बॉडी, तो डेंसिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए कि वेट आना चाहिए पहले, तब तो निकलेगा। तो वेट ऑफ बॉडी किसके बराबर होगा, टोटल बायंट फोर्स के, ये हमको पता है, ठीक। तो टोटल बायंट फोर्स किसका किसका लगेगा, बायंट फोर्स ड्यू टू वाटर, बायंट फोर्स ड्यू टू मरकरी, इन दोनों का बायंट फोर्स निकाल के टोटल वेट के बराबर कर देंगे। फिर क्या किए, बायंट फोर्स बाय वाटर लगाए, फॉर्मूला लिखे, तो बायंट फोर्स बाय वाटर क्या हो जाएगा, किसके बराबर, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ होगा उसका वेट हो जाएगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू बायंट फोर्स ऑफ द वाटर। तो वहां से निकाल लिए वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, यानी अब डिस्प्लेस वाटर कितना होगा, इस बॉडी का हिस्सा जिसने कितना पानी हटाया होगा, तो 60% का वॉल्यूम जो होगा उसका वेट निकालना है, यानी 0.6V यानी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी वही हो जाएगा वेट ऑफ द बॉडी, मतलब उसने 60% का वॉल्यूम का जो वेट होगा वही हो जाएगा बायंट फोर्स अप्लाइड बाय वाटर। सेम ऐसे मरकरी में कितना हटा रहा है, 40%, तो मरकरी के 40% का जो वेट होगा वो हो जाएगा बायंट फोर्स अप्लाइड बाय मरकरी। दोनों निकाल लिए क्वेश्चन 1 और 2 में, ये दोनों बराबर किसके हो गया, वेट ऑफ बॉडी के। वेट ऑफ बॉडी हमने क्या माना, रो इंटू जी इंटू वी, ठीक। और इसमें फिर क्या किया गया है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड इज इक्वल टू इक्वेशन 3 कर दिया गया, ठीक है। अब यहां पे इक्वेशन 1 और 2 में क्या क्या आ गया आपका, 600 यहां से हो गया, यहां से क्योंकि हमने क्या किया 9.1 पूरा कैंसिल कर दिया, वी पूरे में से कैंसिल कर दिया, आप जोड़ो घटाओगे बाद में लेंदी होगा, उससे अच्छा है उसको हम लोग पहले ही कैंसिल कर लेते हैं। फिर ये निकल के आ गया 600, ये आ गया 54, ये हो गया 6040 केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया डेंसिटी ऑफ द मेटालिक बॉडी जो हमारा आउटपुट था, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, तो आई थिंक नोट हो गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आपका बायंसी पे इतने न्यूमेरिकल काफी है, आई थिंक अगर कोई क्वेश्चन आपसे फंसेगा तो आप पूछ लीजिएगा बाद में, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। 5 हो गया ना।